एवरीवन एंड वेलकम टू अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम बात करेंगे डाबर च्यवनप्राश 2x इम्यूनिटी के बेनिफिट्स, इंग्रेडिएंट्स, डोजेज की और क्या इसे लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स पॉसिबल हैं या नहीं। डाबर च्यवनप्राश एक टाइम टेस्टेड आयुर्वेदिक फार्मूला से बना है जिसमें 41 से ज़्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स अवेलेबल हैं। डाबर च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जिसमें बहुत से हर्ब्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स और मिनरल्स अवेलेबल हैं। इसमें काफ़ी रिच विटामिन सी कॉन्टेंट अवेलेबल है जिससे बहुत सी वैरायटी ऑफ डिजीज से प्रोटेक्शन ली जा सकती है थ्रू इट्स इम्यूनो मॉड्यूलेटर इफेक्ट्स एंड रेजुविनेशन प्रॉपर्टीज। डाबर च्यवनप्राश एक इम्पॉर्टेंट डाइटरी सप्लीमेंट है और आयुर्वेदा भी इसे रिकमेंड करता है। सभी लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं और हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं जो हेल्प करते हैं बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में और माइंड से स्ट्रेस निकालने में। च्यवनप्राश पर्सन की न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करता है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो डाबर च्यवनप्राश 2x इम्यूनिटी सप्लीमेंट में आंवला, पीपली, अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, गिलो जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, एनर्जी एनहांसर्स, स्ट्रेंथ एनहांसर्स और इम्यूनिटी बिल्डर्स अवेलेबल हैं। च्यवनप्राश एक हर्बल पेस्ट है जो जैम की तरह होता है। इसका टेस्ट स्वीट, सोर और स्पाइसी होता है। चलिए डाबर च्यवनप्राश के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक हेल्थ टॉनिक है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। ये डिजीजेस से फाइट करने में और इलनेस से बचे रहने के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 इम्यूनिटी बूस्टर। एक क्लिनिकली स्टडी के हिसाब से 1 टेबलस्पून च्यवनप्राश डेली लेने से इलनेस फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है, एनर्जी लेवल्स, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाया जा सकता है। च्यवनप्राश इम्यून सिस्टम के डिफरेंट सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इसीलिए ये एक कम्प्लीट हेल्थ सप्लीमेंट है। नंबर 2 क्लींस द डाइजेस्टिव सिस्टम। च्यवनप्राश एलिमेंट्री ट्रैक्ट को क्लींस करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करता है। प्रोडक्ट्स के स्मॉल पार्टिकल्स इंटेस्टाइन के वॉल्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ टॉक्सिन फॉर्मेशंस हो जाती हैं। च्यवनप्राश इन टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन को कम करता है इन द इंटेस्टाइन और बॉल को क्लियर करता है। नंबर 3 एंटी एजिंग सप्लीमेंट। च्यवनप्राश एक एंटी एजिंग सप्लीमेंट है जिसे एंटी ऑक्सीडेंट रिच हर्ब से बनाया जाता है। ये सेल्स की एजिंग को डिले करता है और ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन इम्प्रूव करता है हार्ट को स्ट्रेंथन करके। नंबर 4 में लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। च्यवनप्राश की 10 ग्राम सर्विंग में 5.25 ग्राम सैपोनिन्स होते हैं। सैपोनिन्स वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं। च्यवनप्राश में अवेलेबल सैपोनिन्स बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की अब्सॉर्प्शन को कम करते हैं। नंबर 5 प्रिवेंट्स रिकरेंट कोल्ड्स एंड एलर्जीज। च्यवनप्राश का मेन इंग्रेडिएंट है आंवला या इंडियन गूसबेरी। ये कोल्ड्स और एलर्जीज को प्रिवेंट करता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करके, इसीलिए च्यवनप्राश को डेली लेने से रिकरेंट कोल्ड्स की फ्रिक्वेंसी कम होती है। इनके अलावा च्यवनप्राश स्ट्रॉन्गर बोन्स और टीथ के लिए, होमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी डिजीज से बचे रहने के लिए और कॉमन इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। डोजेज की बात करें तो एडल्ट्स इसके 1 टेबलस्पून को दिन में 2 बार ले सकते हैं। 3 से 12 साल के बच्चे इसके 1/2 टेबलस्पून को दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसे गर्म पानी या दूध के साथ लिया जा सकता है। च्यवनप्राश को सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट मील से पहले या डिनर से 30 मिनट्स पहले या डिनर से 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। आप चाहे तो इसे आमंड मिल्क या गोट मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। कुछ लोगों में च्यवनप्राश को मिल्क के साथ लेने से गैस फॉर्मेशन हो सकती है। इस केस में इसे मिल्क के बिना लें और आप इसे लेने के 30 मिनट्स बाद मिल्क ले सकते हैं। अगर ऐसा करने से भी आपको गैस का इशू हो देन आप इसे आमंड मिल्क के साथ ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसे लेने से ज़्यादातर लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। कुछ लोगों में इसे मिल्क के साथ लेने से गैस फॉर्मेशन का इशू हो सकता है, अदरवाइज इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है अगर इसे रिकमेंडेड डोज में लिया जाए। सो गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डाबर च्यवनप्राश 2x इम्यूनिटी बिल्डर। गाइज अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।